अगर दोस्तों आपके मोबाइल में मोबाइल डाटा या फिर इंटरनेट डाटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में ज़्यादातर लोग 1 GB, 1.5 GB, 2 GB या फिर मैक्सिमम 2.5 GB वाला डाटा ही प्लान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका डाटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका डाटा यूज़ कहाँ हो रहा है और किस तरीके से आपका डाटा ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी सीक्रेट सेटिंग बताऊँ जिनका यूज करने के बाद आप अपने मोबाइल डाटा को 100% बचा सकते हो। आप अपने 1 GB डाटा को पूरा दिन यूज कर सकते हो, उसके बाद भी दोस्तों कुछ ना कुछ आपका डाटा जरूर से बच जाएगा। दोस्तों वो कौन सी सीक्रेट सेटिंग है उनको जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सेटिंग की। तो इसके लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करोगे, उसके बाद दोस्तों आपको जो मोबाइल डाटा है उस पर कुछ इस तरीके से टैप एंड होल्ड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको डाटा यूजेज पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगी नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे आपके फोन में वो सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे जो भी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों मान लो आपको गूगल न्यूज की कोई जरूरत नहीं है तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वाईफाई एंड मोबाइल डेटा। तो आपको क्या करना है, नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, डिसेबल नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी ऐसे एप्लीकेशन लगते हैं जिनको आपको यूज ही नहीं करना है तो उन सारे एप्लीकेशन पे इस तरीके से क्लिक कर करके उनकी जो मोबाइल डेटा है डिसेबल कर देना है। इससे होगा क्या, आपके फोन में ये जो एप्लीकेशन है आपकी डेटा को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है आपकी बैकग्राउंड में डेटा को यूज करते रहते हैं, जिससे दोस्तों आपकी जो डेटा है काफी ज्यादा कंज्यूम होती है, खत्म होती है। ठीक है, तो एक तो पहले नंबर की ये सेटिंग आपको कर लेना है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों ये जो दूसरे नंबर की सेटिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा आपके फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे और एप्लीकेशन ऑटोमेटिक अपडेट भी हो जाते हैं, उससे भी दोस्तों आपकी जो मोबाइल डाटा है ख़त्म हो जाती है और आपको पता नहीं चलता है। तो ये आप कैसे बंद कर सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क प्रेफरेंस, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक सेटिंग दिखेगी ऑटो अपडेट एप्स, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे आपको मिलेगा ओवर एनी नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से किया हुआ है डोंट ऑटो अपडेट एप्स। ठीक, तो दोस्तों आपको भी इसी वाली सेटिंग को सिलेक्ट करके रखना है और ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होंगे, जब भी दोस्तों आप अपडेट करोगे तभी दोस्तों आपके एप्लीकेशन अपडेट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं अपनी तीसरी सेटिंग की, क्योंकि दोस्तों ये जो सेटिंग है इन्हीं सेटिंग से आप अपनी मोबाइल डेटा को बचा सकते हो। तो आपको क्या करना है, आप अपने YouTube वाले एप्लीकेशन को ओपन करोगे। जैसे दोस्तों आप YouTube वाले एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कई सारी सेटिंग दिखाई देंगी, बट दोस्तों आपको यहाँ पे डाटा सेविंग वाली सेटिंग पे क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हो मैंने लगभग सारी सेटिंग्स को ऑन करके रखा है, तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने फ़ोन में सारी सेटिंग्स को ऑन कर देना। ठीक है, इससे होगा क्या, आप जब भी अपने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखोगे या फिर कुछ भी देखोगे तो वहाँ से दोस्तों आपकी जो डाटा है काफ़ी तेज़ी से खत्म होती है, आपने कभी कभी नोटिस भी किया होगा। तो इस सेटिंग को ऑन करने से आपकी जो डाटा है काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगी और दोस्तों आपकी जो क्वालिटी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अब बात करेंगे हम अपने चौथे नंबर की सेटिंग की। एक बहुत ही गजब की सेटिंग है और इस सेटिंग से दोस्तों कभी कभी आपकी जो डाटा है कुछ मिनट में ही पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं पूरा बैक आ जाता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके अपने फोन की सेटिंग को ओपन करना है।
फोन की सेटिंग ओपन करने के बाद आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अबाउट डिवाइस पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा आपके फोन में जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अप टू डेट पे क्लिक करता हूँ। अप टू डेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल जाएगा आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है कि नहीं। लेकिन दोस्तों ये बात नहीं है, आपको क्या करना है, आपके फोन में यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 2 सेटिंग दिखाई देंगी, ऑटो अपडेट एंड बीटा प्रोग्राम। तो ऑटो अपडेट पे क्लिक करना है। ऑटो अपडेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑटो डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देखोगे आपको 3-4 सेटिंग मिलेंगी, जैसे कि वाईफाई और मोबाइल डाटा, वाईफाई मोबाइल डाटा एंड डोंट अलाउ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में यहाँ पे वाईफाई और मोबाइल डाटा पे सिलेक्ट होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डू नॉट अलाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक, टर्न ऑफ कर देना है। दोस्तों सेटिंग से होता क्या है, कई बार दोस्तों आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और आपका जब डाटा ऑन होता है तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, जिससे दोस्तों आपकी जो फ़ोन की डेटा है ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ सेटिंग थी जिनका यूज़ करने के बाद आप अपने मोबाइल डेटा को सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। तो इन सेटिंग्स में से दोस्तों आपको कौन सी सेटिंग पहले से पता थी कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी का दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना।